तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम को हराने जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी, 5 साल बाद ये काम नहीं किए गए तो हमें निकाल देना। कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस का मास्टर प्लान 2024 लोकसभा चुनाव और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इस मास्टर प्लान का हिस्सा सिर्फ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं है बल्कि प्रियंका गांधी भी हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत बाद ही राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भारत राष्ट्र समिति यानी BRS पर किसानों और युवाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि BRS सरकार ने राज्य को अपनी जागीर और खुद को जागीरदार समझ लिया है। प्रियंका गांधी पार्टी की युवा संघर्ष रैली को संबोधित करने के दौरान ये बयान दिया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जिन उम्मीदों और सपनों के साथ तेलंगाना की स्थापना हुई थी वो पूरा नहीं हो सका। प्रियंका गांधी ने उस दौरान अपनी रैली में क्या कुछ कहा वो बयान सुन लीजिए। अगर हमारी सरकार बनेगी, 5 साल बाद ये काम नहीं किए गए तो हमें निकाल देना। क्योंकि आज अगर हम सब ये इस मंच में बैठे हैं तो आपने बिठाया है और इसका एहसास हम सबके दिलों में होना चाहिए। इस यूथ डिक्लेरेशन में ये कहा हमने कि आंदोलन में शहीद परिवारों के लिए, शहीदों के परिवारों के लिए 1 सदस्य को जरूर सरकारी नौकरी मिलेगी। हम ये भी कह रहे हैं कि शहीदों के माता पिता या उनकी पत्नियां को 25,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस के मास्टर प्लान में प्रियंका गांधी की भी एक दमदार एंट्री हुई है। 20 जुलाई को तेलंगाना में एक जनसभा में प्रियंका गांधी शामिल होंगी और इस दौरान पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव और कई अन्य भी पार्टी में शामिल होंगे। जुपल्ली कृष्णा राव के साथ भारत राष्ट्र समिति के विधान परिषद सदस्य दावेदार दामोदर रेड्डी भी शामिल होंगे। हाल ही में पूर्व सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी भी अपने कई नेताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। तेलंगाना में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव के बीच में प्रियंका गांधी की एंट्री भी दमदार है। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान भी सामने आया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताकतवर नेता हैं और उनका बड़ा नाम है। उनके सामने राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही एक ऐसा चेहरा है जो मोदी को सीधे टक्कर दे सकती है। प्रियंका गांधी की सर्वमान्य नेता हैं। प्रियंका की प्रसिद्धि कश्मीर से ही कन्याकुमारी तक है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी के बारे में आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश करने वाले तमाम लोग हैं। बाहर वाले तो दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के अंदर वाले भविष्य में दिखाई देंगे। राहुल गांधी तेलंगाना के खम्मम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने BRS को BJP की बी टीम बताया था। उन्होंने KCR का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के पास है ये भी कहा था। इस पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था कि राहुल गांधी हद से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ कर्नाटक जीता है और इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं जैसे कि देश पर उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया और देश में लोकसभा चुनाव जीते हैं क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में एक ही चुनाव जीता। राहुल गांधी का वो बयान सुन लीजिए जो खम्बम में दिया गया था। तेलंगाना एक सपना था और 9 साल के लिए TRS ने इस सपने को कुचलने का काम किया। TRS पार्टी ने अपना नाम बदल दिया, नया नाम लाए हैं BRS, BJP रिश्तेदार समिति। भ्रष्टाचार में आपके चीफ मिनिस्टर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। TRS और आपके चीफ मिनिस्टर ने BJP की बी टीम का काम किया क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में आपके चीफ मिनिस्टर का रिमोट कंट्रोल है। कांग्रेस पार्टी ने पहले वरंगल में रायतु डिक्लेरेशन किया, हैदराबाद में यूथ डिक्लेरेशन किया और आज एक आपके लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। 4,000 रुपए हर महीने सीनियर सिटीजन विधवाओं के लिए पेंशन। दूसरी बात, जो पोडू जमीन है हम आदिवासी भाइयों को देंगे। तेलंगाना में भी वही होने जा रहा है जो कर्नाटक में हुआ। जैसे हमने कर्नाटक में BJP को हराया वैसे ही हम यहाँ तेलंगाना में BJP की बी टीम को
हराने जा रहे हैं। लेकिन कर्नाटक के बाद तेलंगाना जीत के लिए भी कांग्रेस का मास्टर प्लान तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने तेलंगाना के लिए टारगेट सेट कर लिया है। राहुल गांधी ने तेलंगाना की जनता से वादे किए हैं कि सरकार बनने पर 4,000 रुपए प्रति महीने पेंशन देने की बात कही गई है। तेलंगाना में कांग्रेस की गारंटी को चेऊथा नाम दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो बुजुर्गों, बेवा महिलाओं, दिव्यांगों, बीड़ी श्रमिकों, हथकरघा श्रमिकों, एड्स पीड़ितों और फाइलेरिया और इसके अलावा डायलिसिस मरीजों के लिए 4,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। यहां आदिवासियों को पोडू जमीन भी दी जाएगी। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव लड़ी थी और वहां भी गरीब विरोधी और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तरफ बीजेपी और उसके अरबपति समर्थक थे तो दूसरी तरफ गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक थे। अब तेलंगाना के लिए भी कांग्रेस ने इसी मुद्दे को बनाने की तैयारी की है। बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव और इस वक्त वो तेलंगाना के सीएम भी हैं और कई मुद्दों पर लोग उनसे नाराज भी हैं। पार्टी इस चुनौती को स्वीकार भी करने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि खम्बम में राहुल गांधी की रैली में उमड़ी भीड़ ने माहौल बदल दिया है। बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में आ रहे हैं और आना भी चाह रहे हैं। बीआरएस के करीब 3 दर्जन नेता पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है और जल्द ही पार्टी उम्मीदवारों पर ऐलान भी कर सकती है कि कौन कहां से उम्मीदवार उतरेंगे। साल 2018 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीआरएस को 88 सीट के साथ 47% वोट मिले थे, बीजेपी को 1 सीट के साथ 7% वोट मिले थे और कांग्रेस को 19 सीट के साथ 28% वोट मिले थे, जबकि एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है जिसे करीब 3% वोट और 7 सीट मिल सका था। इस तरह से अगर देखें तो कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है कि अब तेलंगाना में कर्नाटक की तरह ही जीत हासिल करेंगे, लेकिन देखना यह भी होगा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस कमाल कर पाती है या फिर बीआरएस और बीजेपी बाजी मार पाती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।